नमस्कार, मैं पंकज धीर आज आपके सामने YouTube पर अपना 10वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है तथा हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों यानी डायनेस्टीज ने 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक 32 राजाओं ने राज किया। ये पूरा टॉपिक हम ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे ताकि ये हमें सारा कुछ आसानी से याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं फिर दिल्ली सल्तनत के राजवंश। दिल्ली सल्तनत के वंश कुल 5 थे। इन 5 राजवंशों को याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद करते हैं। गुल खिला तसले में। गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तसले त मींस तुगलक वंश, स सैयद वंश, ल लोधी वंश। ये 5 वंश दिल्ली सल्तनत पर थे। इसके बाद में मतलब मुगल वंश, पर मुगल वंश की बात हम दिल्ली सल्तनत में नहीं करते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक रहा, जिसमें कुल 11 शासक थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा, जिसमें कुल 5 शासक थे। तुगलक वंश 1320 से 1413 तक रहा, जिसमें 9 शासक थे। सैयद वंश 1414 से 1451 तक रहा, जिसमें कुल 4 शासक थे। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा, जिसमें 3 सुल्तान यानी शासक थे। आइए अब हम करते हैं गुलाम वंश के बारे में कुछ पढ़ते हैं। गुलाम वंश को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। करो आराम इतना, रुको रजिया बाहर, अब नहीं गई कब क्यों। इन 11 शासकों को याद करने के लिए करो यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम यानी आराम शाह, इतना इल्तुतमिश, रुको रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बाहर मयूजीद्दीन बहराम शाह, अब अलाउद्दीन मसूद शाह, नहीं नसीरुद्दीन महमूद, गई ग्यासुद्दीन बलबन, कब कैकुबाद, क्यों शमशुद्दीन क्यूमर्स। अब हम गुलाम वंश से आगे खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक, जला आलू शाही मुरब्बा खाओ। जला यानी जलालुद्दीन खिलजी, आलू अलाउद्दीन खिलजी, शाही शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, मुरब्बा मुबारक खिलजी, खाओ ग्यासुद्दीन खिलजी। ये 5 शासक खिलजी वंश के थे। इसके बाद हम अगला तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश करते हैं। इसमें 9 शासक थे। इन 9 शासकों को याद करने के लिए एक ट्रिक, गया बिन फिर खाने, अबे नसीम सुना नहीं महमूद, गया ग्यासुद्दीन तुगलक, बिन
मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, खाने यानी तुगलक खान, अबे अबू बकर शाह, नसीम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, सुना सिकंदर शाह, नहीं नुसरत खान, महमूद महमूद शाह। इनमें नुसरत खान 1394 से 1398 तक फिरोजाबाद की तरफ रहा, और महमूद शाह जो दिल्ली की तरफ 1394 से 1413 तक रहा। इसके बाद हम अगला सैयद वंश। सैयद वंश को याद करने के लिए इसके चार शासक थे, खीर मुबारक मेरे अल्लाह, खीर खिजर खां, मुबारक मुबारक शाह, मेरे मोहम्मद शाह, अल्लाह आलम शाह। इसके बाद हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लोदी वंश में तीन शासक थे, इसको याद करने के लिए निमोनिक, बैठो सिकंदर इधर, बैठो बहलोल लोदी, सिकंदर सिकंदर लोदी, इधर इब्राहिम लोदी। ये पांच राजवंश दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास इनको डिफाइन करने के लिए बहुत सा मैटर है, पर मैं वो डिफाइन नहीं करता। मेरा मकसद इस वीडियो का सिर्फ यही था कि मैं इन ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये याद करवाऊँ। और हाँ, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।